हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, क्या गिवन है इसमें? द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन to move once over to level A playground. Find the area of the playground in meter squares. Meter squares में area find out करना है। Given क्या है? एक roller है। क्या है roller? Roller क्या होता है? तो pitch होती है, ये cricket की pitch होती है, यहाँ पर चलाया जाता है जो, ठीक है, roll करता रहता है, उसको roller कहते हैं, ठीक है? ठीक है, जिसकी लेंथ गिवन है तो लेंथ इसमें किसका काम करेगी? हाइट का। तो 120 सेंटीमीटर लेंथ है, डायमीटर इसकी कितनी है? 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम फाइंड आउट करें तो डायमीटर अपॉन टू, इट्स मींस 84/2 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गया इसका, ठीक है। हाइट इसकी 120 हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, इट्स मींस सीएसई ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH, ठीक है। वैल्यू पुट की 2 × 22/7 × ये किसकी वैल्यू है? R की। R की कितनी है इसमें? 42। और H इक्वल टू लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 7 से 42 6 टाइम डिवाइड हो गया, 22 × 2 इट्स मीन्स 44 हो गया, और 6 × 120 = 720 हो गया, ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल और करें तो यहाँ मल्टीपल मैंने किया है तो 4 × 2 = 8 और 7 × 4 = 28, ठीक है। रिपीट करना है इस तरह से, ये 31680 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एक जीरो और थी इसकी यहाँ, ठीक है ना, तो ये जीरो यहाँ लगा दी बाद, ठीक है। तो एरिया कितना आ गया? कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया? कितना आ गया? 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर में चली गई दूरी कितना आया? अपन ने कितना निकाला हुआ है? 31680 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया कवर्ड बाय द कितना? यहाँ 1 था और कितने में निकालना है आपको? 500। तो 500 में निकालना है तो 31680 को किससे मल्टीप्लाई करें? 500 से, ठीक है। 500 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये क्या आया? ये वाली डिजिट आ गई, ठीक है। और इस पे कितने जीरो आ गए? 3 जीरो आ गए। कितने जीरो और आ गए? देखिए वहाँ पे 1 जीरो वो है और 2 वो है इसकी, तो 3 और आगे बढ़ा दीजिए तो ये आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1584 1 2 3 और 1 4 0, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, पर उसका आंसर किसमें गिवन, आपको गिवन करना है, देना है किसमें? मीटर स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट हमने कर दिया मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर्स को मीटर में कन्वर्ट किया तो 100 × 100 का डिवाइड कर दिया इसमें, ठीक है। इससे ये 0 से 0 कट गए, 2 जीरो से ये, इसके 2 जीरो से ये कट गया और ये आए 1584 मीटर स्क्वायर। अब किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर। तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन सीट कीजिए, अपने आप कोशिश करिए एक बार, ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। क्या गिवन है? ए सिलेंड्रिकल पिलर है, एक सिलेंड्रिकल पिलर जैसे मकानों में बना देते हैं गोल खंभे, ठीक है, सिलेंड्रिकल पिलर कहलाता है। इज 50 सेंटीमीटर इज डायमीटर, डायमीटर इसकी कितनी गिवन है? 50 सेंटीमीटर। तो पिलर इस तरह से, पिलर इट मीन्स क्या हो गया? ये शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है।
पिलर है जिसकी डायमीटर डी दिया है, गिवन है इसका कितना 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकाल दिया डी अपॉन टू इट मीन्स 50 अपॉन 2 इट मीन्स 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ हाइट कितनी गिवन है इसे मीटर में, हाइट h इक्वल टू 3.5 मीटर, ये मीटर में गिवन है और ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में कर लें मीटर में, तो 25/100 क्या कर दें मीटर, इट मींस क्या हो गया 0.25 मीटर रेडियस, ठीक है। रेडियस हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, पेंटिंग करना है, पेंटिंग करना है तो पेंटिंग कहाँ होगी, इस एरिया में भाई, इस पिलर पे चारों तरफ होगी और इसको क्या कहते हैं कर्व सरफेस एरिया CSA, क्या होता है CSA 2πRH, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है 2πRH। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, गिवन क्या है रेडियस इक्वल टू कितना है डायमीटर, पहले गिवन था 50 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस आया कितना 50/2 इसमें 25 सेंटीमीटर, और कन्वर्ट कर लिया इसमें मीटर में तो 100 तो 0.25 मीटर। हाइट कितनी है इसकी, हाइट कितनी है 3.5 मीटर, ठीक है। पेंटिंग करना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर क्या लिख दूं मैं 2πRH, वैल्यू पुट कीजिए 2×22/7, आर की वैल्यू यहाँ क्या है 0.25 और एच की वैल्यू 3.5। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये डेसिमल हटाया तो यहाँ क्या लिख गया 100, क्योंकि टू डिजिट है डेसिमल, या 1 है तो यहाँ 10 आ गया, 7 से ये 5 टाइम, ठीक है, 5 से 10 2 टाइम, इस 2 से फिर 2 कट गया, ठीक है। ऊपर कितना हुआ 22×25 मल्टीपल करो और नीचे क्या करें 100/100, इस मींस क्या हो गया 5.50 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ पिलर, क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर आ गया। अब इसमें गिवन और है रेट और गिवन है, जो इसका पेंटिंग का रेट है वो कितना गिवन कर रहा है ये 12 रुपीज़ 50 पैसे/m², ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पेंटिंग, 1 मीटर पेंटिंग इक्वल टू कितना लिख दें 12 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। तो अपने पास किसका निकालना है, कितने एरिया गया 5.50 मीटर्स, तो क्या आ जाएगा 12.50×5.50 मल्टीप्लाई हो जाएगा ओनली फॉर, करिए मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 1, 2, 5 लीजिए इसका 5 लीजिए, पहले इनका कर लीजिए 0 बाद में, पर 5 5 25 2 5 10 12 carry 1 6, ठीक है 5 2 6 5 7 8 6 और कितने 0 हैं 2 0 और 1 2 और 4 digit 1 2 3, तो ये हमारा आया कितना 68.75 रुपीज़। देखता हूँ आंसर्स में, पीछे आंसर्स क्या गिवन है आंसर्स भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। पीछे से आंसर चेक कर लिया करो
इसका आंसर हमने चेक किया तो हमारा इसका आंसर 68.75 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंप्लीट है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कर्व सरफेस एरिया क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड द हाइट। इसमें क्या फाइंड करना है आपको? हाइट गिवन क्या है? कर्व सरफेस एरिया है 4.4 गिवन है, और इसका क्या है? रेडियस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिखिए आप। गिवन क्या है ये? अब सबसे पहले रेडियस, रेडियस इक्वल टू क्या है? आर इक्वल टू 0.7 मीटर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है इसमें? 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर कई बार बता दिया ये। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया सी एस ए होता है। सी एस क्या होता है? ये 2πRh। लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? 2πRh इक्वल टू क्या? 4.4। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए आर की, इसमें 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.7 इंटू एच फाइंड आउट करना है। एच क्या करना है इसमें? फाइंड आउट। ठीक है, इक्वल टू 4.4। ठीक है, एच फाइंड आउट किया तो 4.4। ठीक है, इससे पहले यहाँ सॉल्व भी कर दो, पॉइंट हटाया 10 × 7 से। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 4.4 हो गया। ये देखिए 10 इसके साथ मल्टीपल में ऊपर चला जाएगा, 2 × 22 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा डिवीजन से। इससे ये काटा 2 × 2 काटा, एच इक्वल टू कितना हो गया? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, ये भी क्या है? 4.4 है। ठीक है, तो ये पॉइंट था, इसका डेसिमल भी हटाना था, तो ये 10, इस 10 से ये 10 कट गया तो 1 मीटर्स। एच कितना आ गया? 1 मीटर्स। ठीक है, यहाँ क्या था? 4.4। ठीक है ना, 4.4 था। वापस देखिए एक बार, क्या ये रेडियस गिवन है 0.7 मीटर, हाइट फाइंड आउट करनी है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हमारा 2πRh इक्वल टू 4.4। ठीक है, वैल्यू पुट की 2 × 22/7 इंटू 0.7 इंटू एच इक्वल टू 4.4। ठीक है, ये डेसिमल हटाया, 10 लगा दिया। ठीक है, एच इक्वल टू 4.4 इंटू 10 अपॉन ये क्या 2 × 22 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसकी हमने डेसिमल हटाई, 10 नीचे था, 10 ऊपर चला गया और 2 × 22 नीचे आ गया। इसकी डेसिमल हटाई, 10 आ गया। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 टाइम, इस 2 से ये 2 कट गया और इस 10 से ये 10 कट गया, तो कितना आ गया? 1 मीटर। हाइट इसकी आ गई 1 मीटर। ठीक है, तो हाइट फाइंड करनी थी, ये कंप्लीट है क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पढ़िए, रीड करिए। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर बेल इज 3.5 मीटर। एक बेल है, कुआँ है, जिसकी इनर डायमीटर गिवन है 3.5। इट इज 10 मीटर डीप। ये डीप है, इट मीन्स हाइट इसकी कितनी है? 10 मीटर। फाइंड फर्स्ट इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आउटर हो चाहे इनर हो, दोनों ही एक ही फॉर्मूले
यूज करते, कौन सा, टू पाई आर एच। क्या क्या कि मैंने देखिए, एक बैल बना दूँ, ठीक है, और इसका डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है, डी इक्वल टू क्या है, 3.5 मीटर, ठीक है। इसकी डी एच, एच कितना के माने इसका 10 मीटर, दोनों ही क्या है, मीटर में गिवन है, ठीक है, डायमीटर भी मीटर में गिवन है और हाइट भी डायमीटर, हाइट भी मीटर में गिवन है। रेडियस निकालें, फाइंड आउट रेडियस, डी अपॉन क्या होता है ये, टू, इट्स मींस 33.5 अपॉन रेडियस आ गई, ठीक है। क्या लिखें हम, कट सरफेस एरिया ऑफ किसका, बैल का, इनर कट सरफेस एरिया ऑफ बैल, फर्स्ट में आपको फाइंड करना है इनर कट सरफेस एरिया, एरिया ऑफ किसका, बैल का, बैल क्या होगा, 2πr, पुट कीजिए वैल्यू, 2 22/7, इसका रेडियस कितना आपने निकाल लिया, 3.5/2, हाइट कितनी, 10। ये देखिए डेसिमल हटाया, यहाँ कैसे मल्टीप्लाई नीचे 10 से, इस 10 से ये 10 कट गया, 7 से ये 5 10 कट गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, तो कितना बचा है, 22 × 5, इट्स मींस क्या हो गया, 110 मीटर, ठीक है। सेकंड है इसका, क्या दिया हुआ, ये तो फर्स्ट था, सेकंड में क्या इसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर पेंटिंग अच्छा, पेंटिंग प्लास्टिंग है, प्लास्टर किया हुआ है इसमें, ठीक है, पेंटिंग नहीं है, बैल में क्या किया है, प्लास्टर, तो प्लास्टर प्लास्टिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर इक्वल टू क्या है, 40 रुपये, प्लास्टिंग प्लास्टर जो किया है, प्लास्टिंग कॉस्ट प्राइस कितना के बना है, 1 मीटर का 40 रुपीज, तो कितने का निकालना है, 1110 का रेट निकालना है, 1110 मल्टीप्लाई 40, ठीक है, 0044 ये रुपीज हो गई आपकी, ठीक है। प्लास्टर जो करवाने का है वो कॉस्ट प्राइस गिवन थी इसमें, पर मीटर इक्वल टू 40 रुपीज, तो किसका हमने निकालना है, फाइंड आउट करना है, 110 मीटर का, तो हमने इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 110 से इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, एक रॉड है जो पानी को क्या करती है, गर्म करती है, देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ, ये सिलेंड्रिकल पाइप का है, तो एक हॉट रॉड ऐसी बना लो, सिलेंड्रिकल, ठीक है, जिसकी एच, एच गिवन है कितना, 28 मीटर, डायमीटर कितना गिवन है इसका, डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो रेडियस फाइंड आउट कर, रेडियस बराबर क्या होगा, d/2, इट मींस 5/2 मींस 2.5 सेंटीमीटर, देखिए ये मीटर में है
ये सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दो मीटर में, 2.5 अपॉन 100 क्या हो गया मीटर में हो गया, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया 0.25, ठीक है। ये मीटर, ये क्या होगी इसकी रेडियस हो, ठीक है ना। अब क्या करवाया इसने, ठीक है, क्या फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन सिस्टम। तो TSA ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, TSA ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पाइप। इक्वल टू क्या होगा 2 pi, ये फॉर्मूला यूज होगा, नहीं इसमें अच्छा हीट कर रही है 2 pi RH प्लस ये भी ऐड हो जाएगा 5 R² इसका 5 R प्लस 2 pi R, पूरा हीट होगा। इट्स मीन्स टोटल सरफेस एरिया, इट मीन्स क्या हो गया 2 pi R और H प्लस R, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, इट मींस क्या हो गया, देखिए आप 2 × 22/7 × R, R की वैल्यू कितनी है 0.25, ठीक है। R हो गया, H कितना है इसका 28 मीटर और R कितना गिवन है 0.025, ठीक है। सॉल्व कीजिए, थोड़ा टिपिकल सा है, सॉल्व कीजिए, करिए 2 × 27/0.025 और इंटू इसमें इसको ऐड किया 28.025, ठीक है। एच में इसको ऐड कर दिया, अब देखिए पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या आएगा 1000, 3 digit आई, यहाँ हटाया तो 1000 आएगा, ठीक है। इससे कितने टाइम कट गया 40 times, ठीक है, 40 हो गया, ठीक है। इसको 5 से काट दो, काट दीजिए 5 से, या डेसिमल बाद में यूज कर लीजिए, 5 से इसको मत काटिए, चलो इसको मत काटिए, आप किसको काटिए, किसको ले लें 5 से इसको काट दो, 5 × 8 = 40, ये ऐसा कटना चाहिए, देखिए आप 5 × 5 = 25, 3 इस यहाँ आया 30 हो गई, 5 × 6 = 30, ठीक है। 2 में जाता नहीं, 0 लगा दिया और 25 पाए, ठीक है। और देखिए कुछ कट रहा है, 2 से ये कितने बार कट गया 4 times कट गया, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 11 हो गया, देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं देख लो एक बार, नहीं हो रहा, क्या आ गया आपके पास, देखिए 11 × 5 = 605 और नीचे कितना है 14 हो गया, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए और फाइंड आउट कीजिए अपने आप, ठीक है। सॉल्व कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, मल्टीपल कीजिए 11 से, डिविजन्स कीजिए 40 का, ठीक है ना, और आंसर्स इसका फाइंड आउट कीजिए, क्या आना चाहिए इसका आंसर्स। फोर पॉइंट फोर मीटर स्क्वायर, तो देखिए आप ज़्यादा आ रहा है, देखो अभी
और ये 1000 और रह नीचे, कितना ये 1000 और नीचे, तो करिए मल्टीप्लाई कीजिए कैसे, देखो यहाँ देखें 5605 को 11 से करिए, ठीक है 11 से करेंगे तो 5065 ऐसे लिखा, 5065 ऐसे लिखा, देखिए 0561 और 6 हुआ, ठीक है इसमें डिवाइड कीजिए किसका 61650 में इसे 14 से, फाइव बचा, जीरो आया, ठीक है नहीं आता जीरो बता रही, वाइट बचा, पॉइंट लगाया जीरो, ठीक है तो कितना आया था इसका, देखो एक्यूरेट मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे क्या आया, देखिए ये आया क्या 4403.5 और कितना और रह गया 1000 और रह गया नीचे, 1000 की डिजिट यहाँ जाएगी तो 4.4035 इट्स मीन्स क्या हो गया 4.40 मीटर्स स्क्वायर, ठीक है ये आंसर है एक्यूरेट आपका आंसर मैंने निकाल दिया, ठीक है तो आज का यहीं तक क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर दिया मैंने, ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है।